धन्यवाद रम साथियों। आज मैं आपको IFMS पे बजट कैसे चेक करते हैं, आपके कार्यालय में कितना बजट सैंक्शन हुआ है, किस सत्र में और किस किस हेड में सैंक्शन हुआ है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको IFMS गूगल में सर्च करना है और सर्च ऑप्शन पर जाना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही आपको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की जो मेन साइट है उस पर ले जाएगा, और यहाँ आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे। पिछले वीडियो पे मैंने बताया था जिसमें IFMS पे जो बजट मतलब पोस्ट एलोकेशन जो है सिस्टम है उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि बजट कैसे चेक करते हैं। तो अब जैसे इसमें राजकोष है, पे मैनेजर, ईग्रास, सारे उसमें शॉर्टकट दिए हुए हैं। आप यहाँ से पे मैनेजर पर सीधा क्लिक करेंगे तो आपको पे मैनेजर की साइट पर यहाँ ले जाएगा। अब यहाँ जैसे मैं बजट की बात कर रहा तो यहाँ आपको बजट पे क्लिक करना है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जो डिफ़ॉल्ट यूजर नेम है वो गेस्ट आपको टाइप करना है और पासवर्ड है वो guest@321 करना है। तो जैसे मैं यहाँ इसको क्लिक कर रहा हूँ, अब क्लिक करते ही यहाँ आपको लॉगिन आईडी डालनी है, वही जो मैंने बताया, गेस्ट और पासवर्ड डालने हैं। उसके बाद में कैप्चा कोड भर के आपको यहाँ लॉगिन होना है। अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ वेलकम टू IFMS आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ फाइनेंस का जो दिया हुआ कॉलम लेफ्ट साइड में, वहाँ आकर के आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन है बजट डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें आकर के रिपोर्ट में आकर के आपको लेटेस्ट बजट बैलेंस इन द पासबुक फॉर्मेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर करना है। अब जैसे अभी वित्तीय वर्ष 2022-23 चल रहा है तो आपको ये भी जैसे इस पर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो हालांकि इस साल अपडेट शायद नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ आपको ऑफिस आईडी डाल के यहाँ आपको समरी विद एक्सपेंडिचर करना है और आपको यहाँ बजट हेड डालना है। अब जिसमें नॉन प्लान का बजट हेड है वो आप डाल करके ये BFC टाइप सेंट्रल स्टेट लीव फॉर ब्लैंक फॉर ऑल करना है, यानी इसको खाली छोड़ना है। इसके आगे हेड टाइप है वोटेड या चार्जेज है, ये भी आपको खाली छोड़ना है। और ऑब्जेक्ट हेड है इसको भी अभी लीव ब्लैंक फॉर ऑल खाली छोड़ना है। और रिपोर्ट आप PDF में डाउनलोड करना चाहें तो उसको क्लिक करेंगे। तब जैसे यहाँ रिपोर्ट जो होगी ये अभी ब्लैंक आ रही है, मैंने कह दिया आपको कि ब्लैंक आ रही है। तो अब मैं आपको पिछले साल का जो अगर बजट है वो आपको अगर देखना चाहें तो, या मैं आपको बता दूं, जब भी यहाँ एलोकेट हो जाएगा तब आ जाएगा, तरीका वही है। अब इसको पिछले साल का बजट देखना है तो आपको इसमें यहाँ बजट फाइनेंस ईयर 2021-22 करके ऑफिस आईडी आपको डालनी है और बजट हेड आपको डाल करके इसको रिपोर्ट पे आपको सर्च करना है या क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी। इस रिपोर्ट में आपके यहाँ जैसे ये डिटेल में आ जाएगा, स्टेट फंड आ जाएगा, बजट हेड है 22020202107-01 वाला बजट है। इसमें जैसे आपको तीन चार ऑप्शन मिलेंगे, सम वेतन है, यात्रा व्यय है, कार्यालय व्यय है और वृद्धि या अन्य सुविधाएं। उसके अलग अलग जैसे हेड है, वेतन का जो हेड है 01 है, और TA बिल का जो है, यात्रा व्यय का 03 है, कार्यालय व्यय का 05 है और वृद्धि या अन्य पत्रिकाएं 37-37 है। अब आपको अमाउंट रिसीव्ड कितना बजट इसमें प्राप्त हुआ ये है, बजट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है कि कितना पहले से वापस खींचा है तो वो है, AFD यानी कितना रिमेनिंग शेष है वो है, और उसके बाद में एक्सपेंडिचर कितना हो गया यानी बजट कितना खर्च हो गया जिस तारीख को आप निकाल रहे हो उस तारीख तक का। जैसे यहाँ इसमें नीचे तारीख आ जाएगी, यहाँ जैसे है ना, ये जैसे अभी आप आज की तारीख में डाउनलोड करें तो ये तारीख आ जाएगी, तो आज की तारीख तक का ये आपको बता देगा कि कितना इस एड में बजट जो है खर्च हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है और बैलेंस कितना है। अब जैसे यहाँ यात्रा व्यय का जो भी था वो आ गया, अब 0 है बैलेंस है, कार्यालय व्यय का 0 क्योंकि ये पिछले वित्तीय वर्ष का है। तो इसी तरह से अगर आपको किसी दूसरे यहाँ ऐड शो सर, करना है तो यहाँ जैसे मैं आपको दूसरा कोई भी ऐड है उसको बता देता हूँ। जैसे यहाँ आप 22001 करके और यहाँ आपको 197 करके और 01021 97 और 01 02 या कोई भी ऐड जो भी आपके है वो आपको देखना है। तो इस पर आप जब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपकी रिपोर्ट अभी जैसे ये ब्लैंक आ रही है तो उसका मतलब ऐड को आपको चेक करना है। तो अब जैसे कोई और ऐड है, मैं यहाँ आपको 02 करना है, 00 अगर आप करेंगे तो मैं आपको ये करके बताता हूँ। अब जिसमें यहाँ जैसे आप यहाँ शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बजट आपके शो हो जाएगा कि जैसे इस ऐड में कितना बजट आया था, क्योंकि इसमें खाली वेतन का आ रहा है, जो नॉन प्लान ऐड उसमें आपके वर्दी का और यात्रा वगैरह सब आ रहे हैं। तो इसमें जैसे इतना बजट एलोकेट हुआ था, रिसीव्ड अमाउंट इतना था, उसके बाद में ये बजट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, उसके बाद में AFD इतना यानी शेष रहा, उसके बाद में एक्सपेंडिचर इतना है और आज की तारीख में बैलेंस 0 है। ये तो हो गया कि किस तरीके से आपको बजट यहाँ चेक करना है।
अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जैसे यहाँ आपको बजट एड कैसे पता करना है, तो बजट एड प्राप्त जो पता करने के आपको दो तरीके मैं बताता हूँ। पहला तरीका तो आपको मैंने पिछला अगर वीडियो आप देखेंगे जो जिस पे IFMS पे आपको जो पोस्ट एलोकेशन वाला सिस्टम मैंने बताया था कि कैसे आप पोस्ट चेक कर सकते हैं, तो साला दर्पण में जाकर के आपको पोस्ट डिटेल में जाकर के आप वहाँ चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पिछला जो वीडियो है वो आप थोड़ा सा देखेंगे, एक बार उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा तरीका मैं पे मैनेजर पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पे मैनेजर पे आपको अगर किसी भी कार्यालय में जो भी बजट एड देखना चाहें तो किस तरीके से देख सकते हैं कि आपके कार्यालय में कौन कौन से बजट एड है, वो उनमें कार्मिक कौन कौन से कार्मिक है वो अगर देखना चाहें तो मैं आपको पे मैनेजर की साइट खोल के आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आपको पे मैनेजर पे चेक करना है तो आपको सबसे पहले मास्टर में जा करके, मास्टर में जाने के बाद में आपको ग्रुप मास्टर पे जाना है, और ग्रुप मास्टर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ग्रुप्स होंगे, उसमें आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है, और व्यू ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अलग अलग जो भी ग्रुप है उनका जो ऐड है वो आपको दिखाई देगा कि जो भी ऐड है ये सारे उसमें आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने कार्यालय के जो भी बजट ऐड है वो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से बजट ऐड में कितना पेमेंट जमा हुआ है। तो इस तरह से ये जानकारी थी आपको कि IFMS की साइट पे बजट एलोकेशन और बैलेंस कैसे देख सकते हैं। एक और सिंपल सा तरीका मैं और आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जैसे यहाँ फाइनेंस ये सेलेक्ट करना है, इसके बाद में यहाँ जैसे मान लो यहाँ आपको अपने ऑफिस की जो आईडी है वो शो करनी है, और यहाँ सीधा आपको डिटेल ऑफ एलोकेशन इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बजट एड बनने की जरूरत नहीं, यहाँ आपको सीधा शो रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है, और शो रिपोर्ट पर आपको क्लिक करते ही ये आपके जो भी PDF साइट खुल जाएगी। अब जैसे ये इस की जगह आपको मैं ऑफिस आईडी सही लगा करके बताता हूँ, और यहाँ जैसे ऑफिस आईडी आपने लगाई और यहाँ डिटेल ऑफ एलोकेशन पे आपको क्लिक करना है और शो रिपोर्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ आपको ये पूरा दिख जाएगा कि आपके इस कार्यालय में किस किस हेड में पूरे साल में कितने हेड है और कितने हेड में कितना कितना बजट आया है। और जैसे ये संवेतन का बजट है 22.02.01.113.01.01.01, ये इस पे बजट अमाउंट कितना एलोकेट हुआ है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, और अभी कितना बैलेंस है। इसके अलावा पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभ से संबंधित अगर कोई, जिसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके, तो ये पेंशन सेवानिवृत्ति परिलाभ का अगर कोई आपके कार्मिक रिटायर्ड हुआ तो उसके लिए अलग बजट ऐड है, जैसे 2071.01.115 और 0101 का जो बजट है, और 84 इसका जो पे ऐड है। तो इस तरह से आपको यहाँ जो पेंशनर है या रिटायरमेंट है उनके लिए जो भी पेमेंट बनाना है तो उसका अलग से बजट ऐड है। इसके अलावा जैसे ये 22.02.01.113.01 का ये वेतन का ऐड है। इसके अलावा ये 22.02.01.01.97 ये जो PO क्षेत्र की जो विद्यालय है वहाँ का बजट ऐड है। इस तरह से अगर आप यहाँ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ जैसे आप डिटेल्स फॉर एलोकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो भी आपके ऐड में जो जितने भी ऐड है वो सारे शो हो जाएंगे। आपको कहीं और पे मैनेजर वगैरह या साला दर्पण पे भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको डिटेल्स ऑफ एलोकेशन पे क्लिक करके आप सारे जो ऐड है उनका आप पता कर सकते हैं। जैसे इस कार्यालय के अंदर के जितने भी ऐड होंगे ये सारे ऐड इसमें शो हो जाएंगे। अब जैसे ये 22.02.109.27.01 कार्यालय व्यय का कितना बजट आएगा, जैसे 2500 का बजट आता है और कितना खर्च हो गया, तो हालांकि ये पिछले साल का है लेकिन इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि किस कार्यालय में किस ऐड में आपके कितना बजट जो है वो एलोकेट हुआ है। तो इस तरह से ये जानकारी थी कि आप IFMS की साइट पे अपने कार्यालय का बजट है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं। अभी मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि मैंने पिछला कोई अप्रैल माह में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगले जो वित्तीय वर्ष से यानी इस साल में पूल बजट एलोकेट होगा। अब पूल बजट एलोकेट का मतलब क्या होता है या पूल बजट में आप कैसे बजट चेक कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो आपको वीडियो पेश करूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए कि पूल बजट में बजट कैसे चेक करते हैं, क्या सिस्टम उसका है। तो ये जानकारी तो आज मैंने आपको बता दी IFMS पे बजट चेक करने की, पूल बजट के बारे में बजट को कैसे देखते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी है, मैं बहुत जल्दी वीडियो बना करके आपको दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।